हाय लर्नर्स, दिस इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू MGC। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को, एक ऐसा चैप्टर केमिस्ट्री का। हम जानते हैं टर्म टू में तो आ ही रहा है यार ये। और भाई कार्बन की जो जितनी वर्सेटाइल नेचर है ना इसका, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जानते हो आप लोग कि कार्बन जो है ना, मतलब ये लगा लो कि आपकी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है अपने आसपास, आपको सब जगह कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। कैन यू बिलीव दैट कि कार्बन अकेला जो है 50 लाख से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है हमारे आपकी बॉडी के, चाहे अंदर कंपाउंड मिला लो या आसपास आप कहीं भी बाहर मिला लो। मतलब कार्बन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अलग अलग नेचर्स में एग्जिस्ट करता है, आपके आसपास प्रेजेंट है, बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, वर्सेटाइल है भाई बहुत ज़्यादा कार्बन। तो इस कार्बन का पास ऐसा क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लाखों कंपाउंड जो है वो बना पाता है, किस तरह की बॉन्डिंग है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में बॉन्डिंग भी ज़रूर होगी। किस तरह की बॉन्डिंग है, कैसे कंपाउंड बना रहा है, सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस टर्म टू के लिए। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। देखो कार्बन का अगर मैं सबसे छोटे से बात करूँ तो हम जानते हैं कि कार्बन अपने आप में जो है वो एक एलिमेंट है। बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठना बस और कुछ नहीं, एक एलिमेंट है। और एक एलिमेंट कैसा एलिमेंट, नॉन मेटल होते हैं और मेटल होते हैं, और ये जो है ये आपका एक नॉन मेटल हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब कार्बन के जब हम दूसरी बात करते हैं, कार्बन की हम बात करते हैं अगर एटॉमिक नंबर को लेके, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया आपका 6। और मैं बता दूं कि सारी कहानी शुरुआत ही यहीं से है, ठीक है, इस जो पूरी कहानी है वो इसी वजह से है, ठीक है जी। तो उसके अलावा कार्बन की जो अकरेंस होती है वो अलग अलग तरह से होती है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर जो कार्बन है बच्चों, ठीक है। तो कार्बन आपका नॉन मेटल हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। उसके अलावा इसकी जो अकरेंस है कैसे कैसे मिलता है, अकरेंस की अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो या तो ये आपको फ्री स्टेट में देखने को मिलेगा, ठीक है जी, फ्री स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर ये हमें कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। फ्री स्टेट हो गई या फिर कंबाइंड स्टेट। अब आप कहोगे कि सर कंबाइंड और फ्री का क्या मतलब है, फ्री में मिलता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, फ्री में नहीं, फ्री स्टेट से मतलब है कि अकेला एग्जिस्ट करता है, मतलब कार्बन ही है उस कंपाउंड में। मान लो कि कोई भी एक्स वाई जेड कंपाउंड है तो उसके अंदर सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, तो उसको मैं उसकी फ्री स्टेट बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। और जैसे कि कंबाइंड स्टेट होती है तो यानी किसी के साथ कंबाइंड है। अब जैसे आप देखते हो कि एटमोसफेयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है, तो भाई ये जो फॉर्म हो गई ये इसके एक कंबाइंड स्टेट हो गई, यानी जब किसी के साथ कंबाइंड होता है। आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कई जो है प्रोटीन्स की चेंज होती है, ग्लूकोज की चेन होती है, तो उसके अंदर आपके कंबाइंड स्टेट में हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ग्लूकोज तो सुना होगा, फॉर्मूला भी पढ़ा अच्छे से, अरे वाह क्या बात है, C6H12O6, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो ये एक कंबाइंड स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक होते हैं फ्री स्टेट और दूसरी होती है हमारी कौन सी, कंबाइंड स्टेट। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस से जैसे पढ़ा होगा डायमंड के बारे में, डायमंड वो डायमंड रिंग वाला वह ठीक है, डायमंड तो सुना ही आप लोगों ने। तो डायमंड क्या है भाई, डायमंड जो है वो एक फ्री स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि आप पढ़ते हैं डायमंड के बारे में इस चैप्टर में भी। और डायमंड हुआ जैसे कि ग्रेफाइट हुआ, बच्चों जानते हो कि ये डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं ये इसके एक एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एटम की एग्जिस्टेंस हो। तो डायमंड और आपका जो ग्रेफाइट है ये दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स के बारे में आप पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो एलोट्रॉप्स माने कि उसमें सिर्फ कार्बन है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एक फ्री स्टेट नहीं है, ये एक कंबाइंड स्टेट है। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डायमंड के अंदर आप और ग्रेफाइट के अंदर जो है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सिर्फ कार्बन की चेन होती है, तो इसको हम एलोट्रॉप्स का नाम देते हैं इनके, राइट।
तो भाई उसके अलावा ये कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में कि ये एक नॉन मेटल हो गया, ये अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इनकी अलग अलग परसेंटेज हमें देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट होती है, लगभग 0.003% के आसपास है प्रेजेंट होती है। तो अलग अलग अकेरेंस होती है, परसेंटेज इनकी अलग अलग है। मिनरल्स की फॉर्म में अलग मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट में अलग मिल रहा है। हम कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट में लगभग 0.2% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है जी। तो कार्बन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, जानते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आपकी बॉडी के अंदर लगभग 65% के आसपास होती है बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम कार्बन की परसेंटेज देखें तो लगभग 18.5% के आसपास कार्बन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी जब मिलती है इन मॉलिक्यूल से तो बनाने में उसकी कंपोजिशन कितनी है ये हमें बताता है इन आवर बॉडी, ठीक है जी। तो अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग मीन जो है हमें इनके देखने को मिलते हैं इसमें। तो ये इस इंट्रोडक्टरी सेशन में सिर्फ इतना ही। अब हम बात करेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो कि 6 होता है, ऐसा क्यों, ठीक है, मतलब इससे ही सारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। और कार्बन कैसे कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और किस तरह के कंपाउंड्स या बॉन्ड्स जो है कार्बन बनाता है, लेकिन अभी नहीं, हम देखेंगे उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।